पक्ष में भूलकर भी ना करे चार गलतियां, वरना वंश पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव। पितृपक्ष 2023। पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। साल पितृ पक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। पितृपक्ष के दिनों में ना करें ये कार्य। नंबर 1, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहता है, जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारे और ना ही सताए। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदि ये का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पूर्वज नाराज होते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। नंबर 3, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि ये सब नहीं खाएं, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल ना करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है, इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।